हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम जनरल साइंस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। तो देखिए, मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस है, वॉल्यूम। अच्छे से हमने डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ रखी है। फिर हमने पढ़ा था कि मैटर की स्टेट्स होती हैं, है ना? तो उन्हीं स्टेट्स को हम बोल सकते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि किसी भी चीज की क्या फिजिकल अपियरेंस है उसके हिसाब से मैटर को क्लासिफाई करना, जो कि रहता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मेन हमारी तीन होती है फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब हम बात कर रहे हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मतलब कोई भी चीज जो है किस चीज से बनी हुई है। ये पेंसिल है, इसके अंदर ग्रेफाइट है, तो ये किस किस चीज से बना हुआ है ना? तो वो सारी हो गई केमिकल इसकी कॉम्पोजिशन, राइट? तो अब मैटर को हम कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं उसके केमिकली फॉर्मेशन बेसिस पे, वो हमें पढ़ना है, ठीक है? नाउ प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी ये वाला पार्ट पढ़ लिया था। अच्छे से मैंने आपको क्लासिफिकेशन समझाई थी कि जो मैटर होता है उसे हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस बिल्कुल प्योर है, मिक्सचर माने मिक्स करके बना हुआ है। अब प्योर सब्सटेंस भी दो तरह का था, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स वाला जो पार्ट है हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालाइट्स, इनके थोड़ी सी प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। तो आज के वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, प्योर सब्सटेंस की पहली क्लासिफिकेशन है कंपाउंड्स, जो कि होते हैं दो तरह के, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। एक तो हमें ये पढ़ना है, दूसरा हमें पढ़ना है कि मैटर का जो सेकेंड टाइप है जिसमें हम इसे क्लासिफाई करते हैं, दैट इज मिक्सचर, होमोजेनस एंड हेटरोजेनस, दूसरा हमें ये पढ़ना है, ठीक है? बाकी अगर आपने ये एलिमेंट्स, नॉन मेटल्स, प्योर सब्सटेंस, ये सब देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये सब कुछ पढ़ना है तो प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ाया है, और जो हमारी प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, तो वहां पे जाकर आप देख सकते हैं। प्लस स्क्रीन पे भी मैंने प्लेलिस्ट का नाम लिख दिया है, तो अगर आपको नहीं मिलता है आराम से मेरे यूट्यूब चैनल पे जाए, प्लेलिस्ट पे जाए, और वहां पे उस प्लेलिस्ट को सर्च करके आप सारी वीडियोस मैंने एक सीक्वेंस में लगाई हुई है, लेक्चर नंबर 1, 2, 3, तो आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है? तो ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, अब सीधे चलते हैं अपने मेन कंटेंट की ओर। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कंपाउंड्स के बारे में कि ये कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखिए, एलिमेंट्स में हमने क्या पढ़ा था, जो सिंगल काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, उसमें एक ही तरह का एटम होता है, ठीक है? लेकिन जो कंपाउंड्स होते हैं, दीज कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स, एक से ज्यादा एटम से मिलकर ये बने होते हैं, एंड प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशोज इन एनी कंपाउंड। और ये जो एटम्स होते हैं ये फिक्स्ड रेशोज में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद आपको ये जो डेफिनेशन वाला पार्ट है ये समझ में आएगा। हम एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का, H2O। हम अपने स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O है, तो ये तो आपको याद ही होगा, अगर बाकी सब भूल गए होंगे टाइम के साथ। अब ये जो H2O है, इट इज एन कंपाउंड। अच्छा, कंपाउंड क्यों है, चलिए देखते हैं। इसमें मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स है, हाँ जी बिल्कुल है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो दो तरह के एटम्स हो गए, एक से ज्यादा तरह के एटम्स है, चलिए पहली चीज तो फुलफिल हो गई। दूसरा बोल रहे हैं प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशोज इन एनी कंपाउंड, ये जो एटम्स होंगे ये फिक्स्ड रेशो में ही होंगे, कम ज्यादा रेशो हुई तो कुछ और ही बन जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, एक ऑक्सीजन एटम है, ठीक है? तो ये बन गया वाटर। लेकिन मैं अगर ऐसे लिख दूं HO2, तो क्या ये वाटर है? इसमें एक हाइड्रोजन का एटम है, दो ऑक्सीजन के एटम है, क्या ये वाटर है? नहीं, ये वाटर नहीं है। वाटर के लिए हमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का एटम चाहिए, तो मतलब H2O होगा अगर, तो तभी वो होगा वाटर। अगर हम इसकी जो प्रोपोर्शन, ये कह लीजिए जो फिक्स्ड रेशो है, प्रोपोर्शन है, इसका जो डेफिनेट एक सिस्टम है उसे चेंज कर दें, तो ये वो चीज नहीं रहेगी, ये कुछ और बन जाएगा। तो वही यहाँ पे दो चीजें आपने याद रखनी है कंपाउंड्स में, कि एक से ज्यादा एटम से मिलकर बना होता है, और ये जो एटम होते हैं ये फिक्स्ड रेशो में अवेलेबल है, दो माने तो दो ही हाइड्रोजन के एटम, एक माने तो एक ही ऑक्सीजन का एटम, ठीक है? ये चीज सिर्फ इसके साथ नहीं, इन सबके साथ, हर एक कंपाउंड के साथ ये चीज लागू होती है। अब ये जो कंपाउंड्स होते हैं दो तरह के होते हैं, एक हो गया आपका मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, ठीक है, एक हो गए आपके सॉल्ट। अब इनको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं वो देखते हैं। द एटम बाइंड्स ईच अदर थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स, वो हो गए आपके मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, मतलब ऐसे एटम्स जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, वो हो गए मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। और जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं थ्रू आयोनिक, नहीं होगा, थ्रू आयनिक बॉन्ड्स, उन्हें हम कहते हैं सॉल्ट्स। चलिए, ये दो चीजें भी क्लियर हो गई, अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब हमने पहला एग्जांपल यहाँ पे क्या देखा है, H2O का, दो हाइड्रोजन के एटम चाहिए, एक ऑक्सीजन का चाहिए, तभी वाटर बनेगा। NaCl, अल्कोहल है आपका C2H6O, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनिया, मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सॉल्ट, ये सारे क्या है, कंपाउंड्स हैं। अब ये तो हमने जनरल क्लासिफिकेशन की मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स एंड सॉल्ट्स के फॉर्म में, लेकिन हम एक्चुअल में इन्हें जो डिवाइड करते हैं वो होता है
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, आपके कार्बन एटम्स होते हैं, तो जिसमें भी जिस भी चीज में कार्बन के एटम आ गए, जैसे कि ये C2H6O है, अल्कोहल है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन NaCl इनऑर्गेनिक है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन एटम नहीं है। कार्बन के एटम्स होंगे तो वो हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट डोंट हैव कार्बन एटम्स वो हो गए आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एग्जाम्पल्स देखें तो यहाँ पे फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, सारे इन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। एग्जाम्पल्स में नॉन मेटल्स, एसिड्स, बेसिस, ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब देखिए, जो तो बहुत ही साइंस स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने प्लस वन प्लस टू में साइंस रखा होता है, वो तो बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस, यानी कि इस तरह से कि हमारे एग्जाम में हम आंसर करने लायक हो जाएं, दैट्स इट, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट पढ़ते हैं मिक्सचर्स, बट एक बार फिर से आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहूंगी कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते चलें। अगर आप वीडियो ऐसे ही देख रहे हैं, नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो ये चीज़ मोर और लेस आप कुछ टाइम बाद भूलेंगे, ये चीज़ तो फिक्स है, है ना। हर एक चीज को रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है, तो अब रिवीजन कहाँ से करेंगे, रिवीजन के लिए आपको चाहिए नोट्स, तो नोट्स अपने आप बनाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमें पढ़ना है मिक्सचर्स के बारे में। अब कंपाउंड्स में भी तो दो से ज्यादा चीजें होती हैं, मिक्सचर में भी तो दो से ज्यादा चीजें होती हैं, फिर डिफरेंस कहाँ पे आता है, है ना, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में क्या डिफरेंस है, अच्छा वो भी पढ़ेंगे। फिलहाल देखिए कि ये मिक्सचर होता क्या है। अ मटेरियल कंपोज ऑफ टू और मोर सिंपलेस्ट सब्सटेंसेज, दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर जो चीज बनी उसे बोल दिया मिक्सचर, है ना। अब जैसे शुगर है, चीनी है, उसको पानी में डाल दो, डिजोल्व कर दो, पूरा घुला दो, मिक्स कर दो, तो एक नया मिक्सचर बन गया, मीठा पानी बन गया, है ना, ये चीज हो गई आपकी मिक्सचर। अब वही चीज यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कंपाउंड में भी तो यही हो रहा था, उसमें एटम नाम दे दिया, इसमें सब्सटेंस नाम दे दिया, तो डिफरेंस कहाँ पे है? अरे डिफरेंस देखते हैं, ये है कंपाउंड्स, ये है मिक्सचर्स। कंपाउंड्स में जो भी चीजें मिलेंगी वो मिलेंगी फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, ठीक है ना, फिक्स्ड रेशो में, जैसे कि वाटर है, NaCl है, वाटर का एग्जांपल समझाया था मैंने आपको। फिक्स्ड प्रोपोर्शन में जब चीजें मिलेंगी, घुलेंगी, मिक्स होंगी, वो बन गए कंपाउंड्स। और इनमें क्या होता है, केमिकली वो बनते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। मिक्सचर्स में किसी भी प्रोपोर्शन में घुमा मिला दो, पानी है, आप इसमें एक चीनी, एक चम्मच चीनी का डाल दो, आप आधा चम्मच चीनी का डाल दो, आप पांच चम्मच चीनी का डाल दो, बस सेचुरेशन पॉइंट वो अलग चीज हो जाएगी। अब जितनी मर्जी चीनी डाल दो, कुछ टाइम बाद वो घुल ही जाएगी, है ना, या पानी गर्म कर लो फिर डाल लो, एक ही बात है। किसी भी प्रोपोर्शन में हम मिक्स करें वो होता है मिक्सचर। प्लस इसमें फिजिकल मिक्सिंग होती है, फिजिकल माने हाथ से हमें खुद करनी पड़ती है, है ना। इसमें क्या है, केमिकल फॉर्म में होती है, ठीक है, ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस टुगेदर, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के साथ में। नाउ अब ये जो मिक्सचर होते हैं जिनमें फिजिकल मिक्सिंग होती है, किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर सकते हैं, वो दो तरह की होती है, होमोजेनस एंड हेटरोजेनस। अब होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, हेटरोजेनस मिक्सचर क्या होता है, इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। इसी के साथ वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। एंड एक चीज आपको बता दूं, केमिस्ट्री तो हम पढ़ ही रहे हैं, साथ में मैंने बायो के लेक्चर्स भी स्टार्ट किए हैं, अभी तक एक वीडियो अपलोड हुई है तो आप देख सकते हैं। अभी एक ही वीडियो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, उसमें स्टडी ऑफ प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, बॉटनी बोलते हैं, स्टडी ऑफ जूलॉजी को, सॉरी स्टडी ऑफ एनिमल्स को क्या बोलते हैं, जूलॉजी बोलते हैं, तो इस तरह की कुछ सिंपल सी चीजें हमने पढ़ी हैं, है ना, वो आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, आराम से आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा, अभी फ्रंट में ही होगी वीडियो, ओके। तो चलिए आज के लिए हमारा फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट, जिसमें हमने कंपाउंड्स पढ़े, उनके टाइप्स पढ़े, मिक्सचर्स पढ़े। अब हम आगे चलेंगे और होमोजेनस एंड हेटरोजेनस मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे, ओके। नाउ ये होमोजेनस मिक्सचर्स क्या होते हैं, तो होमोजेनस में जो ये होमो वर्ड है इसका मतलब होता है सेम, मतलब सेम कॉम्पोजिशन होता है थ्रू आउट। चलिए समझते हैं इस लाइन को भी। अब होमोजेनस मिक्सचर्स को एक्सप्लेन किया गया है एज मिक्सचर्स हैविंग यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, ऐसे मिक्सचर, ऐसे घोल जिनका कॉम्पोजिशन जो है वो थ्रू आउट रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, पूरे के पूरे प्रोसेस में यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रहता है। अच्छा इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए, आपको लग रहा होगा टफ, जैसे मैं समझाऊंगी पूरा हम होमोजेनस मिक्सचर पढ़ चुके होंगे तब तक आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ चुका होगा, ठीक है ना। सो इस चीज का मतलब है, इट मीन्स दैट वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स ऑफ होमोजेनस मिक्सचर, यानी कि जब हम किन्हीं भी दो चीजों को मिक्स करेंगे, जब वो चीजें मिक्स हो गई, उसके बाद अच्छे से मिक्स हो गई, उसके बाद हम उन दोनों को अलग अलग नहीं देख सकते, जो पार्टिकल्स होंगे। फॉर एग्जांपल सिंपल भाषा में समझाती हूँ, सॉल्ट एंड वाटर है, पानी का ग्लास लो, एक चम्मच भर के नमक डाल दो, पूरा मिक्स कर दो, क्या उसके बाद आप नमक के पार्टिकल्स अलग से और पानी जो है वो अलग से देख पाओगे? नहीं, वो तो नमकीन पानी बन गया, है ना, सॉल्ट उसमें मिक्स कर दिया, नमकीन पानी बन गया। तो वही है कि जब यूनिफॉर्मली दो चीजें एक दूसरे को एक पूरे अच्छे से अपना लेती हैं, पूरे अच्छे से मिक्स हो जाती हैं, है ना,
तो हम उनके पार्टिकल्स को अलग अलग नहीं देख पाते हैं. नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन. ऐसा नहीं कि सॉल्ट के सॉल्ट ऊपर ही तैर रहा होगा, पानी नीचे होगा, या सॉल्ट नीचे जाके बैठ जाएगा, पानी ऊपर होगा. नहीं, दोनों अच्छे से मिक्स हो गए, तो कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होती है सेपरेशन की. ऑल्सो कॉल्ड एज सॉल्यूशंस. अच्छा, जब भी हम सॉल्यूशंस बोलेंगे ना, तो उसको मतलब हम होमोजेनस मिक्सचर से ही समझते हैं. जैसे हेटरोजेनस मिक्सचर्स होते हैं, इनको हम कोलाइडल सॉल्यूशंस बोलते हैं. होमोजेनस मिक्सचर्स को हम सॉल्यूशंस बोलते हैं. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया. अब एयर है, आप अपने आसपास देखें कि आपको दिखाई दे रहा है कहाँ, वहां जैसे ऑक्सीजन है, मेरे पास नाइट्रोजन है, थोड़ी दूर जाके कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, बिकॉज एयर जो है बहुत सारी गैसेस से मिलकर बनी है, लेकिन हम विजिबली हम उनको क्लासिफाई नहीं कर सकते अपनी नेक डाई से कि हाँ जी यहाँ जैसे ये वाली हवा है, यहाँ जैसे ये वाली गैस है. ठीक है, फिर अल्कोहल है, उसमें भी ऐसा होता है. आप एक बियर की बोतल ले आओ, क्या आप उसमें बोल पाएंगे कहाँ पे हमारे पास ग्रेप्स, जैसे ग्रेप्स वाइन होती है, ग्रेप्स है, कहाँ पे पानी है, कहाँ पे मीठा है? नहीं. तो ये जो होते हैं ना होमोजेनस मिक्सचर्स, इनको हम ट्रू सॉल्यूशंस भी बोलते हैं. ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इनमें दो चीज़ें होती हैं. समझिए, देखिए यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं. ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? तो अरे हमने तो होमोजेनस हेटरोजेनस पढ़ा है, हमें नहीं पता ट्रू सॉल्यूशंस क्या होता है. कैसे नहीं पता, हमें इसके अंडर ही पढ़ना है ना. तो ये सारी चीजें हमें कवर करनी है. अब जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, इनमें दो चीजें होती हैं. एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट. सॉल्यूट होता है कम क्वांटिटी में, सॉल्वेंट होता है ज्यादा क्वांटिटी में. अब इसको कैसे समझेंगे, ज्यादा क्वांटिटी में माने आपके पास वाटर है, ठीक है, लेस क्वांटिटी में माने आपके पास सॉल्ट है. ठीक है, अब इन दोनों को मिक्स कर दिया, बन गया हमारा ट्रू सॉल्यूशन. अब इनकी जो कंसंट्रेशन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. अच्छा, ये क्या बात हो रही है, हम केले लेने जाते हैं, हम बोलते हैं एक दर्जन दे दो, है ना. हम आलू लेने जाते हैं, एक किलो दे दो. हम पानी या पानी की बॉटल लेने जाते हैं, तो हम बोलते हैं एक लीटर वाली बॉटल दो या आधे लीटर की बॉटल दो, है ना. हम जूस लेने जाते हैं, तो हमें दो लीटर वाली बॉटल दो. तो ये सब क्या है, एक लीटर, किलोग्राम, डजन, ये क्या है, ये एक कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, है ना. तो वैसे ही जो कंसंट्रेशन होती है मिक्सचर्स की, इनको रिप्रेजेंट करते हैं एज इन परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, ग्राम पर लीटर और मोलैरिटी एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजों में. बट इसमें नहीं हमें घुसना ज्यादा, ठीक है. चलिए, आई होप आपको होमोजेनस मिक्सचर समझ में आ गए होंगे. अब हम आगे चलते हैं हेटरोजेनस मिक्सचर्स के बारे में पढ़ते हैं. तो अब देखिए, ये जो हेटरोजेनस मिक्सचर्स हैं ये क्या होते हैं. अ मिक्सचर दैट हैज नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट इट्स मास. एक ऐसा मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होता है, पूरे के पूरे मिक्सचर में नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है. मतलब क्या, देखते हैं. इट मीन्स दैट वी कैन सी द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंसेस इन हेटरोजेनस मिक्सचर. दो चीजें ली, उन्हें घोल दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया, लेकिन फिर भी हम उनको अलग अलग देख पाएंगे. ठीक है, एग्जाम्पल है ऑयल एंड वाटर. एक गिलास लो, उसमें पानी डालो, उसमें तेल भी डाल दो, क्या वो अच्छे से मिक्स हो जाता है? नहीं. हम देख पाते हैं कि यहां जैसे पानी है, यहां जैसे वाटर है, हम अलग अलग देख पाते हैं. और अच्छे से समझिए, एक गिलास लो पानी को, उसमें पत्थर डाल दो, दो तीन छोटे छोटे जो कंकर होते हैं वो डाल दो, तो क्या वो पत्थर उसमें घुल जाएंगे? नहीं घुलेंगे, वो तो उसमें दिखाई देंगे हमें. सो इसमें क्या होती है, विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन. दो जो चीजें जो आपने मिक्स की हैं, उनको आप अलग अलग मिक्सचर के अंदर देख सकते हो, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस. अब जो कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, क्योंकि यहां पे हमने काफी कुछ पढ़ लिया, आपको प्रोसेस करना भी टफ हो जाएगा. हमने एलिमेंट्स पढ़े थे, आज हमने कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स पढ़े, तो आप इन्हीं पे फोकस करें, रिवाइज करें जो मैंने पढ़ाया अच्छे से. कोई चीज है समझ नहीं आई है बताओ मुझे, अभी के अभी बताओ साथ के साथ, ताकि नेक्स्ट वीडियो में छोटा सा टॉपिक होगा मैं साथ में पढ़ा दूंगी, ठीक है ना. चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको समझ आ गया हमने क्या पढ़ना है. बहुत छोटी वीडियो होगी, कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, एरोसोल क्या होता है, जेल क्या होता है, इस तरह की चीजें, ठीक है. तो चलिए, आज के लिए इतना ही. वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे. प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके. तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो दैट्स इट एंड सी यू सून.